तो नमस्कार दोस्तों, TNT किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ भेड़ पालन पे। आज हम आपको जानकारी देंगे कि भेड़ पालन से आपको फ़ायदा है, नुकसान है, इसमें क्या प्रॉफिट है, इसी बारे पर हम चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। एक बार आप अपना थोड़ा नाम बता दीजिए। गुलाब पाल। तो सर, आप लोग भेड़ क्यों पालते हैं? भेड़ पाल जिए को आधार नहीं करते, भेड़ पालते हैं जाए। अच्छा। भेड़ पालने से इनकी बा कि इनके चरा के ऐसे मान लें कि भेड़ा वाला उपलब्ध होता है सर, वो मान लें कि बेचते हैं जाए। ये टाइम जो मटे कि इनका ऊन जोन बा कि ऊन वाली सप्लाई नहीं हो पाओ तो ऊन हमने काट के फेंक देते नहीं जाए। अभी जो आप बाल काट रहे हैं भेड़ का, इसका क्या करते हैं? अभी फिलहाल जो काटते नहीं जाए, ये ऊन के फेंक देते नहीं जाए ये टाइम में। अच्छा। और कुछ दिन पहले उनवा कमर उमर बंद रहा है तो उझ होते रहो कर आ जब बटे को रखते नहीं जाए इनके जियाम से, ये टाइम तो अभी फेंक देते नहीं जाए, कोनो को सफलाई नहीं हो पाओ। तो भेड़ पालला से तब फायदा का बाबे? वही जो भेड़ा वाला होता ना सब, वही को बेच उच करके जब बटे के मरोजी बिचारा रह बन जाए। अच्छा। एक भेड़ एक साल में कितना बच्चा दे देता है? एक ही बच्चे दी एक साल में। एक साल में एक ही बच्चे दी? हाँ। कितना बिक जाता है एक भेड़? आ वही जब मटे 4-5 हज़ार के जब मटे तैयार हो जाए, तैयार होता है बिकाई। से मतलब कटिंग में चला जाता है क्या? हाँ, कटिंग में दिया तब ना जब सप्लाई दिया सब व्यापारी। अच्छा। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे दर्शक खरीदना चाहता है या इसको पालना चाहता है या संपर्क करना चाहता है तो मोबाइल नंबर एक बार बता दीजिए अपना। मोबाइल नंबर मालूम 6386-1504-23। ये आपका मोबाइल नंबर है ना? तो अगर कोई दर्शक पालना चाहता है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो सर, इसमें बीमारी क्या क्या आ जाता है? बीमारी तो बहुत काफ़ी बा, बीमारी तो मैंने इनका कोनो सीमा के पारे बीमारी बा। अच्छा। हाँ, बीमारी तो जैसा हर पशु से ज़्यादा बीमारी बा। हर पशु से ज़्यादा? हाँ, हर पशु से ज़्यादा बीमारी बा। तो क्या बीमारी आ जाता है जिसमें आपका ज़्यादा नुकसान होता हो? अरे ज़्यादा नुकसान है बुखार हो जाए या जम बटे के इनके लाज में कीड़ी हो जाए, तो ये टाइप के जम बटे के इनके नाना प्रकार के बीमारी बा, नाना प्रकार के भी दवाई बा। अच्छा। हाँ, दवाई चल रहा बा, अपन मान लें कि बीमारी बचत ऐसे बचत ऐसे। कितना दिन में बार काटते हैं इन लोग? 4 महीना पर। 4 महीना पर हमेशा काटना? हाँ, है। अगर नहीं काटते हैं तब तो नुकसान पहुँचे लगी, जैसे कोकलोहट पकड़ा जाए। हाँ। चमड़ा में जम बटे की चिपकोहट टाइप के खुजली पकड़ा जाए, ये टाइप के खुजली होके लगी। तो इसी हमने के ऑटोमेटिक काटे के पड़ी चाहे जम बटे की पकड़ा के 4 महीना बहुत। कितना है ऊना भेड़ आपके पास कितना है? अरे भेड़ तो हमने के पास जब मटे पूरा हमने के जितना हमने के बिरादरी यहाँ पहुँचा तो बनी जाए। हाँ। तो 1000 भेड़ बाई से नहीं, आपका पर्सनल कितना भेड़ है? 100 भेड़। 100 भेड़। एक साल में कितना कमा लेते होंगे लगभग? कौन गारंटी है नहीं साहब, और कौन गारंटी है नहीं के? अच्छा। कि 1 लाख हो जाए, 50 हज़ार हो जाए, 200 हज़ार जितने के प्राप्ति यानी कि हुई वही तरह के हुई। अगर बीमारी ना है? बीमारी ना बच गई तो 50 हज़ार की आमदनी हो सकेला, अगर बीमारी है तो वो ना वो चल गई। आप लोग यहीं पर रहते हैं ना? हाँ। तो दोस्तों, ये जगह का नाम है पूर। हाँ। पूर में ही रहते हैं आप। हाँ। आप लोग कोई भी आके यहाँ संपर्क कर सकते हैं। हाँ, कोई संपर्क कर। क्या नाम बोले आप? गुलाब पाल पूर में बलिया। अगर भेड़ से संबंधित आपको जानकारी लेना हो या भेड़ पालना हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे अगर कोई दर्शक हमारा देख के अगर भेड़ पालन करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैंने लाभदायक है कि नहीं है भेड़? मैंने वो हमनी के दीहन भेड़ है कि जो बटे के हमनी से ली। अगर तुहरा से ले के पालन चाहता रहता? अच्छा। तो ले के पालन चाहता तो हमनी के भाई मान ले के वो जितने के ली हन अपन व्यवस्था सोचे हन कि हम पाल दे करा के कैसे मतलब पीस के हिसाब से बेचते हैं कि किलो के हिसाब से? ना, ना किलो बिकाई ना पीस के हिसाब से बिकाई। पीस के हिसाब? एक भेड़ कितना किलो का होगा, कितना रुपये का होगा लगभग? तो भेड़ी तो अलग अलग भेड़ी बैसे मान लो कौन बड़ बा, कौन छोट बा, कौन एक साइज तो कौन बाईस है ना कि एक साइज बता दाम बता दिया जा, एक साइज तो कौन बाईस है ना। लगभग मान लीजिए 20 किलो का अगर कोई भेड़ है तब? 20 किलो का आपको हुई तो लगभग जब मटे कि आपके 4000 या जब मटे 4500 के लमसम लोग पड़ जाएगी चाहिए। 20 किलो का होगा तो 4000 रुपया उसका मूल्य है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद।